वर्क 36 इंसर्ट सीट कॉलम। इट इज अ कमांड बाय विच वी इंसर्ट न्यू कॉलम बिफोर द सिलेक्टेड सेल और कॉलम। कॉलम इंसर्ट करना, आइए देखते हैं नया कॉलम इंसर्ट करना। नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए, जैसे यह साइंस मार्क्स है और इस साइंस के पहले और फादर्स नेम के बाद मुझे कॉलम इंसर्ट करना है, तो इस डी कॉलम के किसी भी एक सेल्स पर क्लिक कीजिए, कहीं भी किसी भी सेल्स पर क्लिक कीजिए और होम टैब के सेल्स कैटेगरी में आते हैं और यह है इंसर्ट। क्लिक करते हैं इंसर्ट पर तो हमें इंसर्ट का विंडो खुल गया और यह है इंसर्ट सीट कॉलम्स। क्लिक करेंगे इंसर्ट सीट कॉलम्स, क्लिक करते ही देखिए साइंस के पहले हमारे को एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। चलिए कैसे इंसर्ट किए, जैसे हिंदी के पहले क्लिक करना कॉलम इंसर्ट करना है तो हिंदी को सेलेक्ट किए। कोई भी इस एफ कॉलम के किसी भी एक सेल्स पर क्लिक करते हैं, तत्पश्चात होम टैब के सेल्स कैटेगरी के इंसर्ट को क्लिक करते हैं और अब क्लिक करते हैं इंसर्ट सीट कॉलम्स। क्लिक किए, हमारे को एक नया कॉलम इंसर्ट हो गया। कॉलम इंसर्ट करने की दूसरी विधि, जैसे फादर्स नेम के पहले मुझे कॉलम इंसर्ट करना है तो फादर्स नेम के ऊपर जो यह आपको कॉलम का जो टैब है सी हेडिंग है, कॉलम हेडिंग जो सी है, इस सी पर क्लिक किए। क्लिक करते ही पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, लेफ्ट क्लिक किए तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। अब इस सी पर राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक किए तो पॉप डाउन विंडो आ गया और इसमें यह है इंसर्ट। क्लिक करते हैं इंसर्ट, इंसर्ट क्लिक करते ही डी कॉलम के पहले एक सी कॉलम इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोग राइट क्लिक करके भी कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे बी के पहले कॉलम इंसर्ट करना है तो बी जो हमारा यह कॉलम का हेडिंग टैब है इस पर क्लिक किए बी पर और लेफ्ट क्लिक किए। अब राइट क्लिक किए, पॉप डाउन विंडो में इंसर्ट क्लिक करेंगे। इंसर्ट क्लिक करते ही बी के पहले एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा और बी हमारे को राइट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। क्लिक किए, देखिए हमारे को इंसर्ट हो गया कॉलम।